गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम TSN द स्कूल, TSN द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई टीच इन क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, मैं इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पर वीडियोज बना चुका हूँ, जो कि यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, क्लास 9th में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम बेसिक से स्टडी करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस है, किसी एटम की जो रेडियस है वो किसमें मेजर की जाती है, किसी एटम की रेडियस किसमें मेजर की जाती है, नैनोमीटर में। वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10^9 meter, 1/10^9 meter, और फर्दर इसे कैलकुलेट करने पर आता है 10^-9 meter। तो 1 nanometer इज इक्वल टू क्या है, 10^-9 meter। मीटर से बहुत छोटी होती है नैनोमीटर, क्यों? क्योंकि एटम से ही हमें दिखाई नहीं देते, तो इनके बीच की जो रेडियस अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत छोटी यूनिट काम में लेनी पड़ेगी। और वो छोटी यूनिट कौन सी है, जो एटॉमिक रेडियस जिसमें हम मेजर कर सके, नैनोमीटर, राइट। एटम्स ना, इसके बाद बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स देखिए क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि कंपाउंड्स किसे बोले और मॉलिक्यूल्स किसे बोले। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन रहा है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है। बट अगर आप रिएक्शन कराते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की कुछ अलग है, ऑक्सीजन की कुछ अलग है, तो इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, इसलिए क्या कहलाएगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मॉलिक्यूल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो कंपाउंड है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि इस पर किसी दूसरे एटम या किसी दूसरे मॉलिक्यूल का कोई प्रेशर नहीं होता, ये नेचर में फ्रीली सर्वाइव कर सकता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे बनता है, सेम टाइप के एटम से बनता है। मैंने अभी भी आपको बताया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, ये सेम टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 कैसे बना है, H+H के कॉम्बिनेशन से, दोनों सेम है। N+N के कॉम्बिनेशन से N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, O+O के कॉम्बिनेशन से O2, और ऐसे ही O+O+O, तीन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से O3, ओजोन, और ऐसे ही चार फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से P+P+P+P के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, फॉस्फोरस, और ऐसे ही सल्फर जो है सल्फर के 8 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो एटम्स हैं, एटम्स डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा एटम जो है वो भी कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सल्फर में 8 एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बन रहा है,
सल्फर में 8 एटम जो है सल्फर के उनके कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, फॉस्फोरस में 4 एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो डाई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पेंटा एटोमिक, हेक्सा एटोमिक, इस तरह से इनको कैटेगराइज हमने फर्दर कर रखा है। यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये दोनों क्या है, डाई एटोमिक, क्योंकि दो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं। और यहां पर ऑक्सीजन भी एक डाई एटोमिक है। यहां पर O3 जो ओजोन बन रहा है O3, ये एक ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि ये 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ऑक्सीजन के, ठीक है। ऐसे फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटोमिक हो गया। और यहां पर जो सल्फर दे रखा है ये ऑक्टा एटोमिक, ऑक्टा इट मीन 8 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए ऑक्टा एटोमिक। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम स्टडी करते हैं डाल्टन एटोमिक थ्योरी, क्योंकि हम एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करके आ चुके हैं, उनका बेसिक समझ के आ चुके हैं। तो डाल्टन एटोमिक थ्योरी देखिए क्या है, डाल्टन गेव हिज थ्योरी अबाउट द मैटर, इसने अपनी जो थ्योरी दी थी वो किसके लिए दी थी, मैटर के लिए दी थी। ही सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, एटम। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखनी है डेफिनेशन। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, नाउ डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए आप स्लाइड नंबर टू में मैंने डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है, जो इससे पहले हमने स्लाइड नंबर वन में इसकी स्टार्टिंग कर ली थी, उसके कुछ पोस्टुलेट्स लिए हैं हमने स्लाइड नंबर टू में। ये पोस्टुलेट्स हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने हैं। देखिए पहले पोस्टुलेट इसका क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर नॉट डिविजिबल, डिविजिबल मीन्स कि एटम को और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, एटम को और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और ना ही ये केमिकल रिएक्शन में इन्हें बनाया जा सकता है और इन्हें खत्म किया जा सकता है। कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ना तो इन्हें बनाया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पोस्टुलेट नंबर सेकंड था ये। नाउ थर्ड देखिए, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम, जो भी आपका एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट उसके जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और किस किस प्रॉपर्टीज में सेम होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, इन मास एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, इन साइज, इन मास एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। All atoms of a given element, जो भी एटम होंगे एक एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के, वो सेम साइज के होंगे, सेम मास के होंगे और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, H2, तो दोनों जो हाइड्रोजन है H और H, इन दोनों का मास सेम है, साइज सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। ऐसे हम बात करें O3 ओजोन की, जो इससे पहले हमने स्लाइड नंबर वन में भी देखा था, तो O3 में 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन की साइज, मास और प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। डियर स्टूडेंट राइट, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट हमारा जो है वो क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां पर इससे पहले वाले पोस्टुलेट में हमने एलिमेंट सेम लिया था, अब हम एलिमेंट डिफरेंट कर रहे हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन साइज, मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट जो है अलग अलग है तो उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनका जो साइज है, उनका जो मास है, वो भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल O2 से आ रहा है ऑक्सीजन और N2 से आ रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ना तो दोनों का साइज सेम है, ना दोनों का मास सेम है और ना ही दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स से आए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन आया है N2 से, N2 मॉलिक्यूल से, ऐसे ऑक्सीजन आया है O2 मॉलिक्यूल से, तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज और मास क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। नॉट डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पोस्टुलेट देखिए, जो इस थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट है, एटम्स कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स कंबाइंड होते हैं इन द रेशियो ऑफ होल नंबर रेशियो
टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है वो कंबाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर रेशो में और उसी टाइप का फिर वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसे थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ इस पॉइंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिया H2 और H2 के साथ आपने एक ऑक्सीजन ली तो क्या बनता है, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल लिया आपने और एक ऑक्सीजन लिया आपने तो H2O से क्या बन रहा है, H2O, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन दो लेते हैं और ऑक्सीजन भी दो ले लेते हैं, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल आपने ले लिया H2+O2, तो अब आपका यहाँ पर क्या बनेगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। H2 और O से बन रहा था H2O, H2O और O के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, H2O वाटर। और अगर आपने लिया H2+O2 तो यहां पर क्या बन रहा है, H2O2 जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट है किससे, वाटर से, ठीक है। तो जब आप एटम्स का जो रेशियो है वो चेंज कर देते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो यहां पर आइटम भी जो आपका जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो जाता है, उसका रेशो भी चेंज हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, डॉल्टन ने कुछ यहां पर एटम्स के लिए सिंबल दिए थे। उस समय एटम्स के लिए इसने सिंबल दिए थे कि एटम्स को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर ऐसा सिंबल बनाते हैं तो पर्टिकुलर ये एलिमेंट होगा, ऐसा सिंबल बनाते हैं तो पर्टिकुलर वो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने एटम को सिंबलाइज किया था। तो देन देखिए, इस तरह का अगर आपको सिंबल देखने को मिलता है कहीं पर, इस तरह का सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल में कहीं देखने को मिलता है, तो ये सिंबल किसको बताता है, हाइड्रोजन को। ये सिंबल किसको बताता है, हाइड्रोजन को, ठीक है। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, और एटॉमिक नंबर जो है वो भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। नो एस, इस तरह का अगर सिंबल है तो ये बताता है कार्बन को, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक वेट कितना है 12, ठीक है। नाउ ऐसा सिंबल अगर आपको देखने को मिले, एक सर्किल देखने को मिले, तो ये किसको बताता है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक वेट कितना है 16, ठीक है। नाउ इस तरह का सिंबल अगर आपको देखने को मिलता है तो ये सिंबल बताता है फॉस्फोरस को, जिसका सिंबल क्या है, पी, ठीक है, पी फॉर फॉस्फोरस। इस तरह का अगर सिंबल आपको देखने को मिलता है, सर्किल को आपने क्रॉस कर रखा है, तो ये जो सिंबल है वो किसका है, सल्फर का सिंबल क्या है, एस। ऐसे मरकरी के लिए इस तरह का सिंबल जो देखने को मिलेगा आपको पर्टिकुलर, तो ये है मरकरी, और मरकरी का सिंबल क्या दिया जाता है, HG, मरकरी पारा, जो थर्मामीटर में भी भरा जाता है, ठीक है। नाउ देन देखिए, सर्किल में मैंने लिखा है C, तो इस तरह का सिंबल दिया जाता है कॉपर के लिए, CU सिंबल है कॉपर का। इस तरह सर्किल में आपने लिखा है I, तो I जो है वो किसके लिए दिया जाता है, आयरन के लिए, और आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, S सर्किल में आपने लिखा है S, तो ये सिंबल किसका है, सिल्वर का, और सिल्वर का जो सिंबल है वो क्या है पीरियोडिक टेबल में, Ag फॉर सिल्वर, अर्जेंटम से ड्राइव्ड वर्ड है, ग्रीक वर्ड है Ag, इसका सिंबल। नाउ नेक्स्ट देखिए, P फॉर प्लेटिना सिंबल है Pt, G लिखा है मैंने यहाँ पर, तो G सिंबल किसका है, गोल्ड का, और गोल्ड का सिंबल क्या है पीरियोडिक टेबल में, Au, ऑरम, गोल्ड का सिंबल क्या है पीरियोडिक टेबल में, Au, ऑरम। ऐसी L सर्किल में मैंने लिखा है L, तो L सिंबल किसका है, लेड का, ठीक है, लेड, और लेड को पीरियोडिक टेबल में क्या दिया जाता है, सिंबल Pb। तो इस तरह से डॉल्टन ने कुछ एटम्स लिए थे, उन एटम्स का सिंबल दिया था, और इन सिंबल से हम उनको एटम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।